ये चीज़ जो होती है ना वो होती है क्लस्टरिंग या टॉपिक जिसके ऊपर लोग इतना कंफ्यूज हो रहे थे आसान अल्फाज के अंदर के एक टॉपिक को एक निश को हर तरह से कवर करें, इंफॉर्मेशनल से कमर्शियल से। ऐसे टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा आपको जिसको ना तो रैंक करने का फ़ायदा है ना ही उसके ऊपर ट्रैफिक लेने का फ़ायदा है, लेकिन आपको उसके ऊपर आर्टिकल लिख कर पब्लिश करना होगा, ये ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉपिकल अथॉरिटी के बारे में। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था वीडियो कमेंट के अंदर कि टॉपिक अथॉरिटी को किस तरह कवर करेंगे हम, बेसिकली है क्या चीज़। और चूँकि ये गूगल की इस वक्त रिक्वायरमेंट है, टॉप रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट है, तो वेबसाइट जब आप एक एफिलिएट बना रहे हैं तो आपको अपना जो निश है, अपना जो टॉपिक है, उसको कम्प्लीटली कवर करना है, यानी उस टॉपिक के अंदर जितनी भी स्पेस है वो आपको कवर करनी है। कवर कैसे करनी है वो चीज़ जो है ना वो बेसिकली हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर वो चीज़ आप डिस्क जो है ना वो कवर नहीं करते तो चांसेस हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो डी रैंक हो जाए आपके कंपेटिटर की निस्बत, या फिर हो सकता है आपके कंपेटिटर्स भी नीचे आ जाएं उसकी वजह से। तो अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं तो फिर चांसेस हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्टेबल रहती है और हो सकता है कि मज़ीद रैंकिंग पकड़ लेती है। अगर आपकी वेबसाइट चल रही है, स्टेबल है, ठीक है, मेच्योर्ड है, एस्टेब्लिश है, और आपने टॉपिक अथॉरिटी के ऊपर फोकस नहीं किया था, आपको चाहिए कि आप टॉपिक अथॉरिटी के ऊपर अब थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। अदरवाइज़ फिर रेडी हो जाएं, वेबसाइट जो है ना वो आपकी डाउन होने वाली है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जी, एक कीवर्ड है हमारे पास, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। इसके ऊपर आपने जो है ना जितने भी लाइक क्वेश्चंस हैं वो आपने कवर करने हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर कवर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है तो इसके मतलब जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर आ रहे हैं या फिर आप एचआरएफ से देख रहे हैं इस टॉपिक के रेलिवेंट, या फिर आप सैमरेज से देख रहे हैं, वो चीज़ आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने उसके अकॉर्डिंगली कवर कर लेने हैं। हम थोड़ा सा जो है ना वो सैमरेज की तरफ भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको मैं एक यहाँ पर प्रो टिप देने वाला हूँ। तो मैंने इसको गूगल किया और गूगल करने के बाद मैं यहाँ से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है SEO मिनियन के नाम से। तो यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है, ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो SEO मिनियन एक्सटेंशन के ज़रिए आपके पास ये जो है ना एक कॉलम आता है, यहाँ से आपने पहले तो अपना कीवर्ड गूगल कर लेना है, देन आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जी लेवल 3 और 10 सेकेंड, इसको आप चूज़ कर लें और यहाँ से आप गो का जो बटन है वो क्लिक कर दें। तो करेगा क्या कि ये जितने भी सर्प के अंदर जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, FAQs थे, वो उन सभी को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करके तो हमारे पास एक टॉपिकल एक मैप बनाएगा, एक ट्री बनाएगा, और साथ में ये जो कीवर्ड हैं जितने भी इसने देखे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी सारे निकालने हैं क्वेश्चन हैं बेसिकली, ये देखें ये वाले, तो उनकी एक जो कंप्लीट एक्सेल शीट है कीवर्ड्स की वो भी इसने नीचे डाउनलोड कर दी है। लेकिन मैं जो चीज़ मेन दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर ये वाली है, UPAA ट्री, ये देखें जी, ये है बड़ी मज़े की चीज़, ये देखें, इसने पूरा उस कीवर्ड का एक टॉपिकल जो है ना एक मैप बनाया है कि इस कीवर्ड के रेलिवेंट जितने भी FAQs हैं वो सारे के सारे इसने जो है ना हमें दिखा दिए हैं, ये देखें। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। तो हो सकता है कि आप SEO मिनियन यूज़ कर रहे हों लेकिन आपको इसके फीचर का आइडिया ना हो, अगर तो पता है तो फिर तो दी बेस्ट, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपने आर्टिकल्स की शक्ल में कवर करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब एक सवाल भी होगा कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे कि उसका अपेरेंटली आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लाइक रैंक नहीं होंगे या ऐसा कोई चक्कर, ठीक है। लेकिन याद रखें कि जब आप टॉपिकल अथॉरिटी बनाते हैं ना तो उसके अंदर आपको हर तरह के टॉपिक को कवर करना पड़ता है, लाइक आपको हर तरह से, मुराद ये है कि जो उस टॉपिक से रेलिवेंट बन रहे हैं
चाहे उनका फ़ायदा है या नहीं है, ट्रैफिक के लिहाज से, यूज़र्स के लिहाज से, या रैंक करने के लिहाज से, वो चीज़ आपने नहीं देखनी। आपने उनको बस सिंपली कवर करना है जो चीज़ गूगल चाहता है, ठीक है। तो जितने ये क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपने कवर करने हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स के अंदर। 1000 वर्ड का आर्टिकल, 1200 वर्ड का आर्टिकल, 1300 वर्ड का आर्टिकल, इस तरह आपने इन सभी कीवर्ड्स को जो है ना वो छोटे छोटे आर्टिकल्स के अंदर लिख कर पब्लिश करना है। और फिर आपने अपने इस मेन आर्टिकल को बैकलिंक देना है, इस मेन आर्टिकल को बैकलिंक देना होगा। फिर इससे ये कि आपकी जो टॉपिक अथॉरिटी है और जो लिंक जूस, जो कि इंटरनली अगर आपका स्ट्रक्चर मज़बूत होगा तो ये इसको बूस्ट करेगा, इस कीवर्ड को ये बूस्ट करेगा, ठीक है जी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं जो टॉपिक अथॉरिटी और बेसिकली क्लस्टरिंग जो है ना वो आपने इसकी इस तरह करनी है। और टॉपिक अथॉरिटी हो गया या क्लस्टरिंग हो गया, ये मेरे नज़दीक बेसिकली एक ही चीज़ है कि आप अपनी निश के अंदर जितनी भी स्पेस है, चाहे वो इंफॉर्मेशनल के अकॉर्डिंगली बन रही है या कमर्शियल कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली बन रही है, आपका बनता है ये फ़र्ज़ कि आप उसको रीसेंट गूगल अपडेट के अकॉर्डिंगली उसको आप जो है ना वो अच्छे से कवर करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेमरेज की तरफ जाएं तो थोड़ा सा ज़रा उसका भी आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो मेन कीवर्ड है वो सर्च करें, और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तकरीबन 245 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल रहे हैं। व्यू ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, और ये यहाँ पर आपने सारे के सारे कवर नहीं करने, ठीक है। इसी तरह इस मैप के अंदर भी आपने सारे के सारे कवर नहीं करने, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट हैं, ठीक है, इसके मुतल्लिक। और आई थिंक ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे रिज़ल्ट में सारे के सारे ही जो है ना वो रेलिवेंट होते हैं, अदरवाइज़ ये फिर यहाँ पर शो ही ना करे। तो मैं ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन सैमरस के अंदर या एचआरएफ के अंदर आपको कुछ इररिलेवेंट भी नज़र आएंगे, तो वो जो है ना वो आपने इग्नोर कर देने हैं मोस्टली। ये देखें व्हाट इज़ द बेस्ट है, जो कि ये कमर्शियल है, इस तरह का आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो मैं अभी भी यही जो प्रोसेस है ना, ये जो मेथड है, ये एसयू मिनन का, मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसका जो ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। लाइक इसकी इस आर्टिकल को आप इन सभी से लिंक कर सकते हैं, इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं, फिर आगे इसको इसके साथ। तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक मैप बनता है। आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर बेसिकली एक मैप ही बनाना होता है, यानी इंटरनल लिंकिंग के ज़रिए, जो एक लाइक एक हर तरह से आर्टिकल्स के अंदर इंटरनली लिंक हो, और आपका जो लिंक जूस है वो एक फिर मेन कीवर्ड पॉइंट पे आके उसको डाइवर्ट हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, सॉरी पास हो रहा हो। ये चीज़ जो होती है ना वो होती है क्लस्टरिंग या टॉपिक जिसके ऊपर लोग इतना कंफ्यूज हो रहे होते हैं। आसान अल्फाज के अंदर के एक टॉपिक को, एक निश को हर तरह से कवर करें, इंफॉर्मेशनल से, कमर्शियल से। ऐसे टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा आपको जिसको ना तो रैंक करने का फ़ायदा है, ना ही उसके ऊपर ट्रैफिक लेने का फ़ायदा है, लेकिन आपको उसके ऊपर आर्टिकल लिख कर पब्लिश करना होगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं एक और मज़े के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।